हे गाइस, वेलकम टू मूवीज़ अपडेट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द विचर सीजन 2 के बारे में, जिसमें से विचर के कैरेक्टर का फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया गया है, और साथ ही हम इसका रिलीज डेट और प्रोडक्शन स्टेटस पर भी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो इन तक जरूर देखना। गाइस, द विचर एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा वेब टेलीविजन सीरीज है, जिसे केट लॉरेन हिचरिच ने की है, और ये पूरी की पूरी सीरीज एक नोवल और एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। मतलब शुरू के कुछ एपिसोड की स्टोरी द लास्ट विश नोवल से ली गई है, और लास्ट के कुछ एपिसोड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनी पे बेस्ड है। खैर जो भी हो, लेकिन ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट ओरिजिनल सीरीज में से एक है, जिसे शायद आप में से मोस्टली लोग जरूर देखे होंगे। और इस सीरीज को हेनरी कैविल लीड कर रहे हैं, जो इसमें विचर मतलब रिविया के गेराल्ट के कैरेक्टर का रोल करते हैं। और इसके अलावा एलन और अनन्या चल्होत्रा भी हैं, जिसे इस सीरीज में अच्छा खासा रन टाइम दिया गया है, और दोनों के कैरेक्टर को भी अच्छे से डेवलप किया गया है। वेल, अब बात करते हैं टॉपिक पे, तो इसके फर्स्ट सीजन के सक्सेस को देखते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने इसके सेकेंड सीजन के अनाउंसमेंट कर दिए थे, जिसमें उन्होंने 8 एपिसोड को रखे हैं। और इसके प्रोडक्शन स्टेटस की बात करूँ तो इसकी फिल्मिंग को फरवरी 2020 में स्टार्ट कर दिया गया था लंदन में, लेकिन इसके फिल्मिंग 2 हफ्ते चले ही थे कि इसे रोक दिया गया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। और फिर इसके फिल्मिंग को सीधे 12 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया। और बात करूँ कि इसके फिल्मिंग को रिज्यूम होने में इतना वक्त क्यों लगा, तो क्रिस्टोफर हिवजू, जो इस सीजन में न्यू कास्ट किए गए थे, वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिस वजह से इसकी फिल्मिंग और भी डिले हो गई। लेकिन अब फाइनली जब इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें से विचर का फर्स्ट लुक को भी ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, जो ये है। वैसे ये एक फ़ोटो है, और इसके अलावा इसे भी पोस्ट किया गया है, जिसमें हेनरी कैविल एज ए विचर परफेक्ट दिख रहे हैं, और वो इसमें अपने पूरे आर्मर के साथ नज़र आ रहे हैं, जो इसे पहले सीजन में बहुत कम दिखाया गया था। लेकिन अब लग रहा है कि इसमें शायद विचर मोस्टली अपने आर्मर के साथ ही दिखाया जाएगा। खैर, अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट और परफेक्ट कॉस्ट्यूम होगा विचर के लिए, जिससे कि फैन विचर सीजन 2 को और भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। वैसे इसके सीजन 2 के अलावा एक और उड़ती खबर आई है कि विचर सीजन 3 ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के अंदर डेवलपमेंट में है, लेकिन अभी एक र्यूमर है जिसे बहुत से बड़े बड़े हॉलीवुड के साइट वालों ने इसे कवर किया है, जिसमें पहला नाम IGN का आता है, जो एक ऑफिशियल सोर्स माना जाता है। लेकिन ये न्यूज़ सच है या फिर गलत, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि विचर का एक प्रीक्वल सीरीज द विचर ब्लड ओरिजिन और एक मूवी बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। वेल, जब विचर सीजन 2 की बात हुई है, तो इसके रिलीज डेट पर बात करना तो बनता है। तो जब इसके सेकंड सीजन को कंफर्म किया गया था, तो इस टाइम पे इसे 2021 में रिलीज़ होना बताया गया था। तो हो सकता है कि इसे 2021 में ही रिलीज़ किया जाए, लेकिन मंथ नवंबर का या फिर दिसंबर का ही होगा, या फिर 2022 भी हो सकता है, क्योंकि जनवरी 2020 में रेडिट AMA पे एक पोस्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने लॉरेन हिचरिच का एक स्टेटमेंट लिख रखा था, जिसमें उन्होंने कही थी कि वी डोंट येट हैव अ टारगेट लॉन्च डेट फॉर सीजन 2 पास्ट 2021। और फिर इसी पोस्ट के लास्ट में ये भी कही थी कि वी डोंट वांट टू रश द प्रोडक्ट डेट डज नॉट बेनिफिट एनी मोर। तो इससे ये बात कन्फर्म हो जाता है कि 2021 से पहले लॉरेन हिचरिच का कोई मूड नहीं है द विचर के सीजन 2 को रिलीज़ करने का, तो ये टाइम 2022 भी हो सकता है। खैर जो भी होगा, आपको उस रिलेटेड मेरे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, तो अपडेट मिस नहीं करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और वीडियो आप सबसे पहले देख भी पाओगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कुछ भी पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी भी वेब सीरीज के बारे में, तो कमेंट से पूछ सकते हो, मेरे पास सबका देता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।